शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? करण। तुम्हारे पिता का नाम? बच्चे के पिता का नाम क्या है? तो तुम दुर्गा के बेटे हो? जी हाँ। वो जो दाई का काम करती है, तुम्हारा नाम? करण। तुम्हारे पिता का नाम? इसको अपने बाप का नाम मालूम तो बताएगा ना। कोई नौकरी वोकरी नहीं चाहिए। आज के बाद मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। नाम सुना है तुमने प्रताप? मगर उसका नाम इतनी अहमियत नहीं रखता है कि उसके बारे में सोचा जाए। वो एक मामूली सा स्मगलर है सर, जो चुटकी बजाता ही खत्म किया जा सकता है। करण, करण, आज 2 साल से करण हमारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मैं जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर दूंगा। कर्ण आज भी आजाद घूम रहा है और तुम? क्या करूं सर, वह बहुत ही चालाक आदमी है
अपने जुर्म के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ता है। सबूत ढूंढना तुम्हारा काम है प्रताप, मेरा नहीं। आई वॉन्ट रिजल्ट। ओके सर, आई डू माई बेस्ट। उतार नीचे। अब तो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। सुन रहे हैं डैडी आप? अगर आप लोगों के होते हुए इस इकलौते बेटे को बड़े होने की क्या जरूरत है? क्यों माँ? क्या बात है माँ, मेरी हर सालगिरह पर तुम उदास क्यों जाती हो? लो इसकी सुनो, कोई गैर सुन लेगा तो कहेगा कि मैं इसकी सगी नहीं सौतेली माँ हूँ। अरे माँ। नाम साफी का वुजू करके लिया करते हैं, नाम साफी का वुजू करके लिया करते हैं, बेबी ये हम है वो मैं कश जुजिया करते हैं, दर्श दुनिया को मोहब्बत का दिया करते हैं, आए शिकवाए जाम तो कम सिर्फ पिया करते हैं, पीने वाले तो निगाहों से पिया करते हैं, पीने वाले तो यूं तो लाखों हमें हंसी तेरे अफसाने हैं, सैकड़ों बाग तमन्ना तेरे वीराने हैं, शम की बज़्म में हर रंग के परवाने हैं, हाय मेरी नजरों में हकीकत में वो दीवाने हैं, चाक दामन को जो हंस हंस के सिया करते हैं, चाक दामन को। शाम आती है सितारों की कहानी लेकर, सुबह ढल जाती है फूलों की जवानी लेकर, हम कहां जाएं तेरे गम की निशानी लेकर। आज ही तो उसके भी सालगिरह है ना। ओफो, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? उसे भूल कैसे जाऊं, भूलना चाहती हूं तो और याद आता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बाप हो। तो ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो मिल गया तो उसे क्या कहोगी? प्रताप को क्या बताओगी? दुनिया को क्या जवाब दोगी? कह सकोगी वो हमारी शादी से पहले की औलाद है? इतनी बेदर्दी से क्यों बात कर रहे हो? मैंने कब कहा कि उसे ढूंढो? पर क्या मुझे उसे याद करके उदास होने का भी अधिकार नहीं? आखिर वो मेरा पहला बेटा है। लोग मेरे दूसरे बेटे को पहला बेटा कहते हैं और मैं कुछ नहीं कह सकती। करण, 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 अरे आज तेरा जन्मदिन और तू यहाँ अंधेरे में बैठा है। मां मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मुझे मेरा जन्मदिन याद मत दिलाया करो। मेरा जन्मदिन मेरे माथे पे मेरे अनजाने माता पिता के कलंक का दाग है। तुमने इसे पाल पोस कर बड़ा अन्याय किया है इसके साथ। मुझे मेरे माता पिता का पता बता दो ताकि मैं उनके पास जाकर कहूं कि देखो आज तुम्हारा पाप कितना बड़ा हो गया है। पगला कहीं का, क्या मैं तेरी मां नहीं हूं? तुम मेरी मां नहीं हो, तुम तो मां से भी बड़ी कोई चीज हो। तुम में दया को ममता बनाने की शक्ति है, वो शक्ति जो देवी देवताओं में भी नहीं होती। तुमने सिर्फ बाप के नाम के सिवा मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ यही एक नाम चलता है। इस नाम के बगैर आदमी समाज और सरकार दोनों को अधूरा दिखाई देता है। तभी तो मजबूर होकर मुझे वो रास्ता अख्तियार करना पड़ा जहां कोई किसी से उसके बाप का नाम नहीं पूछता। मेरी जिल्लत
और आत्मा के अपमान की कहानी आज के दिन ही शुरू हुई थी। मेरा पैदा ना होना ही अच्छा था। खैर, पैदा तो होना चाहिए था, मगर जरा जल्दी पैदा हो गए। मुझसे 2-4 साल बाद पैदा होना था। अगर ये मुझसे छोटे होते आंटी, तो मैं इनका कान पकड़ कर कहती कि जनाब अपने जन्मदिन पर यूं मुंह लटकाया नहीं करते। विश मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे तानवीर करण जी महाराज। वाह, जन्मदिन भी मनाया जा रहा है तो वो भी इस हरामजादे का। वाह करण, इनसे कह दो हम बड़े हो गए हैं, हम पर सोच समझ के हाथ उठाया करें। बच्चे माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और बुआ के लिए ठीक है, हम तुम जो चले के मखाने से शीशे ने कुछ बात नहीं। अगर मुझे मेरी माँ ने पाला होता तो ये माँ मुझे कहां से मिलती? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस सौदे में घाटा नहीं हुआ। चलो अब जल्दी से करण को जन्मदिन की बधाई दो, वरना करुणा बुरा मान जाएगी। चलो शुरू करो करुणा। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो केक काटो। फिर बॉल जानी, फिर बॉल। वही दिन सही सेट बोलता माल है जी नहीं। कल तक तो साला माल था। आपन भी यही बोला। इस पर सेठ बोला माल करण ले गया और 2% जास्ती दे ला और खड़े खड़े पेमेंट कर दिया। करण आपन जब जरा सख्ती से बोला तो वही सेठ ने उठाकर लाफा मार दिया और बोला मजीद भाई के साथ आपन को धंधा करने का ही नहीं। फिर बोल और बोला मजीद भाई गोलमाल करता है। गोलमाल। मिर्जा जी, ये वहीद पर हमको कौन सा मुहावरा याद नहीं आ रहा? मेंढकी को भी मिर्जा तरन्नुम में, मेंढकी को भी जुकाम हो गया है। नहीं नहीं मिर्जा, नहीं नहीं, ये जुकाम बड़ी हल्की बीमारी लगती है, भारी बीमारी होनी चाहिए। मेंढकी को भी कैंसर हो गया है। कैंसर मजीद भाई, कैंसर के बारे में कोई मुहावरा नहीं है। है नहीं है? है नहीं है? है, 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 है। क्यों नहीं है? होना चाहिए और होगा। मेंढकी को भी कैंसर होगा है, है। और वही मेंढकी है, 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 है ना मेंढकी है। है। आज से करण का माल करण के ठिकाने पे नहीं पहुंचे, समझे?
ट्रक लेके जल्दी से निकल जाओ। ट्रक नंबर MRS 2580, एक्सीडेंट का समय 3:15:04, घड़ी बंद हो गई थी। अब ये 2000 की चपत अलग से पड़ गई राय साहब, घड़ी के पैसे तो इंश्योरेंस वाले देंगे नहीं। अच्छा मैं चलता हूं। खराब है। अरे अरे साहब काय को पकड़ता है, क्या हुआ साहब? थाने चल बताता हूँ। अरे काय को चल साहब, अरे उनका, अरे बात तो सुनो साहब। चल भाई सीधा चल चल। किसे पकड़ लाए सर? करण का माल पकड़ा है, इसे बुक कीजिए। नाम है अब्दुल भाई यूसुफ भाई, ट्रक नंबर MRS 2580। ये कैसे हो सकता है सर? अभी अभी करण रिपोर्ट लिखवा कर गया है कि लिंकिंग रोड पर इस ट्रक से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। और क्या साहब, अपन का ट्रक लिंकिंग रोड पर खराब पड़ा था। एक कार वाला सेठ आ गया, अपन से भिड़ गया। एक तो साला गाड़ी चलाना नहीं आता, ऊपर से अपन को गाली देता है। देखे ना साहब, अपन ट्रक का टायर ठीक कर रहा था साहब कि प्रताप साहब ने आके पकड़ लिया। देखे साहब, उसमें बहुत ही कीमती माल है। अगर मिस्टर रॉय, यस सर, आप इसे बुक कीजिए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि करण जैसे स्मगलर ने क्या रिपोर्ट लिखवाई। नौबहार आ गई।
खिले चमन सा मेरा मन महकने है लगा, मीठी अगन में तन बदन दहकने है लगा। जाने कैसा जानू ये नजर डाग गई, अब क्या आए ना बहार आ गई, सारी महफिल मस्ती सी छा गई, अब क्या आए ना बहार। आओ करण आओ। मैं बड़ी खुशी की बात है कि तुम हमारे यहाँ आए। हमारा मिर्जा जी हुजूर, वो खुश आमदी पे कौन सा शेर है? वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते है। करण, तुम्हारे माल के पकड़े जाने का बड़ा अफसोस हुआ मियाँ। मजीद भाई, मुखबरी करने वाले की खबर भी आ जाएगी। हाँ, यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही मियाँ, तो कौन था वो कम्बख्त? ये बात आपके जॉनी को अच्छी तरह मालूम है। जॉनी, तशरीफ रखो मियाँ। शुक्रिया। जॉनी भाई, कल हम उस हराम के पिल्ले से सब कुछ पूछ लेंगे। अम्मा छोड़िए ना मजीद भाई, इस वक्त तो मैं आपसे कुछ और ही बातें करने आया था। हाँ बोलो मियाँ। एक मुअम्मा भर रहा था। मुअम्मा? क्रॉसवर्ड। हाँ हाँ, पहेली। हाँ बोलो। एक क्लू समझ में नहीं आ रहा, सोचा आपसे ही पूछ लूं, क्योंकि आपने तो दुनिया देखी है और आपका तजुर्बा भी मुझसे कहीं ज्यादा है। क्लू क्या है? मौत से भागने के लिए दुनिया छोटी है या बड़ी? अम्मा मियां, पहली बार हमारे घर आए हो, जिंदगी की बातें करो, मरने की जल्दी क्या है? हा? मिर्जा जी हुजूर। मियाँ वो कौन सा मुहावरा हमको याद नहीं आ रहा इस वक्त? जब गीदड़ की तरन्नुम में जी हाजिर है, जब गीदड़ की मौत आती है तब शहर की तरफ दौड़ता है। आदाब रे। दो टके का क्रिमिनल मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता है मजीद भाई। दुर्गा माँ की आंखों के सिवा मेरी आंखें आज तक किसी के सामने झुकी नहीं, और यही बुरी आदत मेरे सर को भी है। कोई मांगे तो जान दे दूं मजीद भाई, मगर छीनने की कोशिश करे तो पांव तले की चुटकी भर धूल भी ना दूं। आपने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। यह हमारी पहली मुलाकात थी, अब की जो मिले तो वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मजीद भाई से कोई ऐसे बात नहीं। आपके आदमी तो बड़े ही बदतमीज है मजीद भाई। बराबर के दो आदमी जब बात कर रहे हो आपस में तो किराए के वफादारों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। खुदा हाफिज। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम में यही तो ऐब है, तुम पर मना करने का असर ही नहीं होता। हाय चले आते हो। मेरी आदत जानती हो तो मना ही क्यों करती? मना करने में मजा जो आता है। चाय पियोगे? चाय पीने से अब नशा नहीं होता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वकालत कैसी चल रही? वैसे जैसे ये देश चल रहा है। इसीलिए एक केस लेकर आया। केस? तुम्हारे लिए। देखो करण, तुम लगभग बचपन के दोस्त हो, तुम जानते हो स्मगलर्स मुझे सख्त बुरे लगते हैं। मैं अपनी वकालत चलाने के लिए भी किसी स्मगलर को डिफेंड नहीं कर सकती, चाहे वो स्मगलर तुम ही क्यों ना हो। करण मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बट आई हेट करण सेठ। पर ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम्हारी सहेली का मंगेतर
तरक्की के लालच में बेचारे बेगुनाह अब्दुल भाई यूसुफ भाई को फांसी लगवा रहा है, और तुम जो शहंशाह जहांगीर का जनाना रूप यानी फीमेल वर्शन हो, इंसाफ की कोई मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं। स्मगलर मैं भी हूं, स्मगलर यूसुफ भाई अब्दुल भाई भी है, पर इसका यह मतलब तो नहीं हुआ। मैं प्रताप को जानती हूं करण, वो झूठे मुकदमे खड़े नहीं करता। मेरे कहने से भी ये केस नहीं लड़ोगे? भगवान के कहने से भी नहीं। नहीं, खैर भगवान को तो मैं कहूंगा भी नहीं, लेकिन तुम इतना जरूर याद रखना, एक न एक दिन तुम मेरा केस जरूर लड़ोगी। तुम नहीं, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं। अरे प्रताप, कुछ पता भी चले कि 3-4 दिन से तुम कहां? नमस्ते माँ, ये करण है, बंबई शहर के सबसे बड़े और मशहूर स्मगलर। जी बड़ा तो नहीं हूँ माँ जी, मगर मशहूर जरूर हूँ। नमस्कार। अच्छा बेटे, मैं चाय भेजती हूँ। इतने मशहूर आदमी का मेरे घर आना? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने चला आया हूं कि अब्दुल भाई मेरे बचपन का दोस्त है। तो फिर? और मुझे अपने दोस्तों का साथ देने की बहुत बुरी आदत है, और मैं बुरी आदत वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने की नौकरी करता हूं। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम नौकरी करते हो, मैं नौकरी देता हूं। तुम ठहरे एक मामूली से पुलिस ऑफिसर, और मैं धर्म से लेकर राजनीति तक हर बाजार में मेरा पैसा चलता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। रिश्वत नहीं दूंगा इसलिए कि तुम रिश्वत लेते नहीं हो, बेवकूफ हो, इसलिए मुझे अच्छे लगते हो। मैं बेईमान आदमी हूं, धांधलियां करता हूं, इसलिए ईमानदार लोगों की इज्जत करता हूं। मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं कि 10 लाख रुपए का मेरा माल पकड़ा गया। 10 लाख की हैसियत ही क्या होती? कह चुके। मैं डरने की चीज हूं ठाकुर प्रताप नारायण सिंह। चुटकी में मसल देने की कहावत तो तुमने सुनी होगी। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं मां, जिस बाजार में मिट्टी से लेकर भगवान तक सब कुछ बिकता हो, वह मनुष्य या तो अपने आप को बेच डाले या अपने गले में नियमों का फंदा डाल के मर जाए। मां, यह जो आदमी आया था ना, इस शहर का सबसे खतरनाक आदमी है। क्यों? यह कहने आया था कि लोकतंत्र में राजनीति आदर्श नहीं रह जाती, पेशा बन जाती है। मैं शायद सस्पेंड कर दिया जाऊं, लेकिन शतरंज के खेल में कभी कभी एक पैदल फील वजीर हाथी इन सब पर भारी पड़ सकता है। मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? करण। पूरा नाम? योर ऑनर। आपके समाज ने
मुझे ही अधूरा नाम दिया है वकील साहब। वैसे आपके अगले सवाल का जवाब पूछे बगैर ही दिए देता हूं, मुझे अपने पिता का नाम नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने माता पिता के नाजायज औलाद नहीं हूं। वो जो भी हूं मेरे नाजायज माता पिता हैं। अपनी पैदाइश पे किसी का अख्तियार नहीं होता, इसलिए मैं अपनी पैदाइश पे शर्मिंदा भी नहीं हूं। और वकील साहब, अब्दुल भाई यूसुफ भाई का ट्रक मेरी गाड़ी से फिर भी टकराया था। और वो ट्रक अब्दुल भाई यानी ये मुल्जिम चला रहा था? जी हाँ। तो उस ट्रक पर मुल्जिम को उंगलियों के निशान क्यों नहीं मिले? इस सवाल का जवाब तो ट्रक ही बता सकता है। मिस्टर करण, ये अदालत है, मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दीजिए। आप अपने बेटे की नौकरी बचाने के लिए मुझ पर क्यों खफा हो रहे हैं वकील साहब? हो सकता है अब्दुल भाई यूसुफ भाई ने दस्ताने पहन रखे हो, और यह भी हो सकता है कि आपके बेटे ने उंगलियों के निशान मिटा दियो। हाउ डेयर यू। आई एम सॉरी योर ऑनर। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। बुढ़िया, मेरी गाड़ी के नीचे दबकर मरने का शौक है क्या? क्या साहब, ये भी कोई तरीका है? एक तो आपने उस बेचारी को कार से धक्का देकर गिरा दिया, और ऊपर से आप शर्म नहीं आती बुढ़े को मारते हुए? ये रंजीत साहब का कोई लफड़ा लग रहा है साहब। करण सेठ, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। आपके भाई रंजीत ने हम गरीबों का जीना हराम कर दिया है। पहले तो अपनी कार से इस बेचारी बुढ़िया और इस बच्चे को टक्कर मारी, और जब मैंने पूछा तो मुझे भी थप्पड़ मार दिया। देखे देखे माथे पर खून निकल आया बेचारी बुढ़िया के। दयाल, माई को अस्पताल ले जाओ और इनका पूरा ख्याल रखना। चलिए माँ जी। आइए रंजीत साहब, घर चलते। आज प्रभु को इस तरह क्यों देख रहे हो? जीते रहो बाबा। आप कहते हैं कि हर युग में महाभारत होती है? अवश्य होती है। हर युग का सत्य अपने युग के असत्य से टकराता है। पर ये हर युग में अर्जुन का ही साथ क्यों देते हैं? तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। प्रश्न तो यह है कि कर्ण जैसा महापुरुष हर युग में दुर्योधन का ही पक्ष क्यों लेता है? दुर्योधन जिसका दूसरा नाम है रंजीत। करण किसी भी युग में अपनी तकदीर खुद नहीं लिखता बाबा, यही है जो मुझे हर युग में दुर्योधन के साथ बांध देते हैं।
अरे भैया, करण सेठ का सहारा ना ही रहता तो ये माँ बाप की औलाद साला हरामी कोई का जिए देता ही इलाका में। राम राम रंजीत सेठ। नया माल आया है, बिल्कुल नया माल आया है करण सेठ के यहाँ से। क्या है? अरे वही गोली, चरस, हशीश, स्मोक, दम मारो दम। थैंक यू। बाकी तुम ही ईमान से बोलो टोनी भैया, बोलो ई रंजीत कोई तरफ से भी किशन मामा का लड़का लगत है भला? थैंक यू सेठ, अब उनके पास ईमान ही नहीं तो ईमान से बात क्या करेगा है? अरे ई जमाना में भी किशन मामा दूध में एक कतरा पानी नहीं मिलावत है। तो साला भैंस में पानी मिलाता होएगा। करण सेठ, करण सेठ, गुड इवनिंग करण सेठ। कितनी जेबें काटी? अपुन सोचते अपुन साला ये धंधा स्टॉप कर देगा। क्यों भाई? उधर पुलिस के महंगाई हफ्ता में तो बढ़ती होएगा, इधर अपुन साला जेब करता तो कुछ मिलता ही नहीं। ऊपर से करण सेठ आपने भी अपन को काम देना स्टॉप कर दिया है। 5 रुपया होंगे। साला ज्यादा बात नहीं कर। वो एक ज्योतिषी बोला अपन को कि टोनी तुमको अपने फ्यूचर के वास्ते कुछ सोचने को मांगता, वो 5 रुपया अपन साला अपने फ्यूचर के लिए ऐड किया है। सिगरेट ये 10 रुपए रखो और सिगरेट अपनी फ्यूचर के लिए संभाल कर रखो। थैंक यू, गुड नाइट करण सेठ। गुड नाइट। राम राम करण सेठ। राम राम फेंकू भैया, क्या बस दया है हजूर की। हिसाब क्या है? अभी 470 रुपया तो 5 सिगरेट का, 50 रुपया ऊपर से, कुल मिलाए के 520। ये 5 पकड़ो जी। एक काम और करो, ये 20 पकड़ो और 100 रुपया अपना रखो। बहुत मेहरबानी। ए रंजीत को मालूम है? अरे ना ही सेठ, कहाँ बात करत हो। रंजीत साहब ने इस महीने दुकानदारों से सर 20,000 रुपए प्रोडक्शन की वसूल किए हैं। लगता है दुकानदार झूठ बोल रहे हैं सर, क्योंकि वो जानते हैं सर कि आप रंजीत साहब से पूछे बगैर उनकी रकम लौटा देते हैं। मेरे ख्याल से मुतालिक अगर आप रंजीत साहब से, मैं आपका ख्याल नहीं बल्कि अपना हिसाब पूछ रहा हूँ। आई एम सॉरी सर। रंजीत दुर्गा माँ का गोद लिया हुआ बेटा है और मैं दुर्गा माँ के टुकड़ों पे पला हुआ एक अनाथ। मेरी रगों में दौड़ने वाला नमक मुझे इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि मैं रंजीत को उसकी किसी बात पे भी टोकूं। मैं रंजीत की ढाल था, ढाल हूं और ढाल रहूंगा। आई एम सॉरी सर। बहरहाल दुकानदारों की 20,000 रुपए की रकम लौटा दी गई है सर। अलबत्ता किशन मामा जी ने रकम लेने से इनकार कर दिया है सर। वो कहते हैं कि मैं सफेद दूध का धंधा करता हूँ, काली रकम से भैंस नहीं खरीदूंगा सर। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ बैठी हलवैया तो कनिया, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया। उड़ बैठी भजवा दो कन्या, उड़ बैठी भजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी भजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाले मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाले मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाले मुनिया। बुढ़ाओ के देखे तनी इनके कोई हकीम बैग बताए दी है कि सबेरे का खाना रात आके खाए जात।
अरे मलका विक्टोरिया खुद आ गई। अरे कोनो फिल्म वाला देखी ना तो तोके हीरोइन बनाई दे। आखिरी आ गई तो कराम कदम। अरे बुढ़ाओ सब तथिया गई है, दीवनवा हो गई है। नाम तो है किशन सिंह, अब फुदक रहे हनुमान जैसे। अरे चिंगारी देवी, सोने का लंका जलाई के वास्ते अरे बानर सेना का जरूरत पड़ी है कि नहीं? अब तनिक तू वही हिसाब से बोलो। तनिक का शर्म कर, ये लक्षण देश के कोई माने वाला है कि तुम पांच पांच मुस्कंदन के बाप है? क्या बताया तुमने पांचवा का नाम लिया? रंजीत के हम अपनी बरखुरदारी से डिसमिस कर दिया है। अपनी पैदाइश में जरूर तोहसे कोनो भूल चूक हो गई रही। अरे अरे अपने चार चार जवान बैठे हैं मलाई ऐसी आत्मा लिए हुए, हमरी तोहरी मुक्ति खातिर ही चारों बहुत है। और वो रंजीतवा वो हमरे चिता के वास्ते स्मगलिंग का आग और चोरी का लकड़ी लेकर के आई राम खेलमन के माई। तू समय चला खा के वास्ते इनके बैठे दा, अपनी रामायण पढ़े दा। तू पीछे जा जा, हम बाद में खाना खाए। हे किशन काका, बाहर करण आया है सड़क पर। नमस्ते मामा जी, कल रंजीत की सालगिरह है, माँ ने आपको घर खाने पे बुलाया है। हराम का माल खाए से हमन का पेट खराब हो जाला। अच्छा याद दिलाया आपने, आपसे ये बात भी करनी थी। अच्छा बैठा बैठा बैठ जा। अब फरमावा। शशि भूषण के हाथों मैंने 25,000 रुपए भिजवाए थे, आपको तो मालूम होगा। तो अरे कलंकित का कमाई से हमरा नेक रोजी में बरकत नहीं हो सके। जमीन के वास्ते जो मुकदमा आप लड़े थे, हर तारीख पे चपरासी और पेशकार को आप कितना रुपया चढ़ाते थे? ये घूस नहीं दस्तूरी है। पेशकार और चपरासी के रुपया 2 रुपया दिहल, ये हमरा बाप दादा के जमाने से चल आवत बा। सावन का अंधा की तरह तोहरों के चारों तरफ बेईमानी बेईमानी नजर आवत बा। अरे तू तो वो आदमी हुआ जो रंजीत ऐसे आदमी के खराब कर दिया। हम तो कहत हैं कि तू एक काबिले ना हुआ कि दुर्गा ऐसा पवित्र औरत तोहरा ऐसा नीच आदमी पर आपन ममता निछावर करे। हमके एक दिन का बादशाह बना दिया जाए ना तो तोहरा ऐसा आदमी के हम फांसी दे दें। धिक्कार ऐसा शहर पर जो तोहरा ऐसा आदमी के इज्जत दिला। ये शहर मेरी इज्जत नहीं करता बल्कि मेरी खुशामद करता है, मुझसे डरता है। मामा, दुर्गा माँ की कसम, अगर आप दुर्गा माँ के भाई ना होते तो तका करता। मामा, जो बात अधूरी रह गई हो उसे अधूरी ही रह जाने दो। क्या सोच रहा है बेटे? थक गया मां, जोर और खून खराबे की जिंदगी से परेशान हो गया हूं। मेरे माता पिता का पता बता दो मां, ताकि मैं उनके पांव छूकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकूं। साफ सुथरी ईमानदारी की जिंदगी। मेरे माता पिता कौन है मां? क्या इस मां से जी भर गया बेटे? तुम्हारी ममता से जिसका जी भर जाए उससे बड़ा बदनसीब और कोई हो ही नहीं सकता है मां। लेकिन क्या मुझे मेरी कहानी की शुरुआत जानने का अधिकार भी नहीं है? अपनी कहानी की शुरुआत जानने के लिए तुम्हें मेरी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं मां, इन दामों में ना तो मुझे अपना आगाज जानना है मां, और ना ही अंजाम। बापू, तुम तो इस दुनिया को देख ही चुके हो, फिर काहे को आग चाहत हो? आग फिर वही दुनिया दिखावेगी। मरने से पहले मैं एक दफा करण को देखना चाहता हूं। सब ने यही देख लिया कि जमुना एक जवान छोकरी है, उसका बाप साला रामू अंधा है। अखा बंबई में करण ने खाली देखा
कि जमुना का बाप नहाय शरीफ आदमी है, जो तेरे को उसने ना बचा लिया होता तो तू आज बाजार में होती। और साला रामू तेरा बाप रंडी का बाप कहलाता। करण ने जमुना को किसी फिल्म में बचाया होत तो लेखक ने करण और जमुना का ब्याह करा दिया होत। पगली कहीं की, देवता को पूजते हैं, देवता से शादी नहीं बनाते। कैसे हो काका? करण से। अरे काका, आज आपने रामू साला की झोपड़ी को मंदिर बना दिया। की बात नहीं करो काका, बैठो, बैठ जाओ। जमुना, अरे जमुना। हाँ बाबू। करण बाबू के लिए चाय बना, खूब कड़क चाय। ए काका, काहे की कड़क चाय? ए जमुना, जरा देखो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। आंखें बनवाने में 10-12 हजार से कम खर्च तो नहीं होगा। तो क्या हुआ काका? इतना बड़ा खर्च किसी बाप का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो काका, ये मुझे मालूम नहीं कि किसी बाप का बेटा बर्दाश्त कर सकता है नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मैं किसी बाप का बेटा नहीं हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो काका, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और जमुना की शादी भी हो जाएगी, घबराओ मत। आइए डॉक्टर साहब। जरा कीचड़ में पांव आ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, ये हमारे रामू काका है और ये है डॉक्टर बिलमोरिया, आंखों के सबसे बड़े डॉक्टर। इनका कुछ कीजिए ना। मैं भी देख लेता हूँ। His eyes are not a problem. मामूली ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन मैं इनको क्लिनिक में देख लूं तो अच्छा है। जी क्यों नहीं, 2-4 रोज लगेंगे। बिल्कुल ठीक। आंख से खून बहुत जास्ती आता है, खाट से उठने को मन नहीं करता, भूख भी नहीं लगती इन्हें। नहीं डॉक्टर साहब, इन्हें भूख न लगने की बीमारी नहीं है, बल्कि ये कहने की बीमारी है कि भूख नहीं लगती। शरीफ ईमानदार लोग हैं, जब खाना नहीं मिलता है तो कह देते हैं भूख नहीं लगी। वेरी गुड। अच्छा काम करो, इन्हें दुर्गापुर अस्पताल में भर्ती करवा दूं। ओके, वेरी गुड, डन। कम हियर। जी। देखो, अब तो काका अस्पताल जाएंगे। हाँ। ना जब तक ये अच्छे होकर लौट नहीं आते तुम दुर्गा माँ कह रहा। यहाँ भी चलेगा बाबूजी? नहीं चलेगा बाबूजी की बच्ची। देखो तुम फूल बेचकर सीधी घर चली जाना, मैं दुर्गा माँ को फोन कर देता हूँ। हाँ। डॉक्टर बिलमोरिया शर्मी में मूव कोर्ट जाना है और आज फैसले का भी दिन है। इसलिए मेरी राय में श्री अब्दुल भाई यूसुफ भाई पर लगाए गए इल्जाम साबित नहीं किए जा सके। ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है और ये कहने पर अपने आप को मजबूर पाती है कि इस केस में पुलिस का तरीका बहुत काबिल एतराज रहा है। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह एक नौजवान पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए ये अदालत कोई स्ट्रक्चर पास करके उनका कैरियर खराब करना नहीं चाहती, मगर अदालत ये उम्मीद जरूर करती है कि वो अपनी सुखरुई के लिए बेगुनाहों पर मुकदमा चलाने की गलती आइंदा नहीं करेंगे। हमने माना कि वकालत ना करोगे, लेकिन साफ हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये केस जीत कर तुमने कोई तीर नहीं मारा, क्योंकि कानून की बुनियाद ये है कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाएं, मगर किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आदमी 11वां गुनहगार होना चाहिए। ये कोई हंसने की बात नहीं है करण। तो फिर तुम ही कोई हंसने की बात करो ना, आज हंसने को बहुत जी चाह रहा है। ये तो हंसने पर भी बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा और उस एहसान तले दब जाएगी बेचारी करुणा। मेरे ख्याल से शायद तुम आखिरी बार मुस्कुराए थे 1980 में। 1980 में भी अगर मैं मुस्कुराया होऊंगा तो बहुत कमाल किया होगा, क्योंकि 1980 में हंसना उतना आसान नहीं था। तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही अच्छी बात हुई है। क्या? वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? करुणा मेरे दिल के खजाने में सिर्फ एक ही सिक्का है, उसे निकालना तो दूर, उसे देखते बहुत डर लगता है। सोचता हूं कहीं वो सिक्का खोटा ना हो जाए। कभी कभी ये ख्याल आता है कोई जेब ना काट ले और वो सिक्का खो ना जाए। सौदे में घाटा नहीं हुआ। मैं चलता हूं।
बाहों का हार दे, मन चाह मुझको प्यार दे। अपनी बाहों का हार दे, मन चाह मुझको प्यार दे। सनम दो बदन और एक जान, मिलन की बीना है ख्वाबों का मेला है, मिलन की बीना है ख्वाबों का मेला है। अपनी बाहों का हार दे, मन चाह मुझको प्यार दे। भूले सनम ना ये रात कभी, ऐसा कोई उपहार दे। अपनी बाहों का हार दे, मन चाह मुझको प्यार दे। मुझको बर्दाश्त नहीं होता कि किशन मामा जैसे शरीफ आदमी का बेटा उस करण जैसे आदमी के अंगूठे के नीचे रहे, और वो करण ऐसा आदमी है जिसे हरामजादा कहो तो गाली नहीं लगती। वाह जी वाह, किसी दिन गुस्सा आ गया तो मार डालूंगा साले को। नहीं साला नहीं, हरामजादा कहो। वाह, आपको गुस्सा आएगा कब मिर्जा? जी हुजूर। एक अच्छा सा मुहावरा सुना दो अब पर। लीजिए, कल करे सो आज कल और आज करे सो अब। अरे पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एक समझे रंजीत, अब भी वक्त है, जो चाहते हो अब कर लो, वरना अपने मुस्तकबिल से हाथ धो बैठोगे। आप अपना दोनों हाथ पॉकेट में रखेंगे, एक बात और बोलूं? बोलो। रंजीत मजीद भाई के साथ मिलकर आपका तख्ता उलटने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अपन साला बोला था कि अपना हाथ पॉकेट में रख लो। तुम्हें कैसे मालूम? मजीद भाई के खासुर खास चमचे से मजीद भाई को ये पता चल गया कि अपन साला आपको ये बात बोला है तो हाजी शमसुद्दीन का इकलौता बेटा खलास। मजीद भाई ने तुम्हें उतार क्यों दिया था? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो पूछताछ कर रहे हो। बाप ही नहीं तो नौकर कहां से आ जाएगा?
लेकिन मजीद भाई से तुम्हारा इतना मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारी पसंद का गुलाम कब से बन गया हूं? मैं तुमसे डरता नहीं हूं रंजीत, सिर्फ दुर्गा मां का ख्याल करता हूं। सुना है मजीद भाई के साथ मिलकर तुम मुझे मारने का चक्कर चला रहे हो। यही मैं जानना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया कि केशव और दयाल को तुम्हारे इस प्रोग्राम का पता ना चले, क्योंकि वो लोग बड़े वफादार हैं, अपनी वफा की झोंक में शायद दुर्गा माँ का भी ख्याल ना करें। ये तो बहुत पुरानी है। देखो रंजीत, इतना याद रखना, जब तो मैं हूं ना तभी तक तुम हो और तुम्हारा रास्ता है। अगर मैं ना रहा तो ना तुम रहोगे ना तुम्हारा रास्ता, सिर्फ मजीद भाई रह जाएंगे। रखो, पिस्तौल चलाने के लिए हाथ की जरूरत नहीं पड़ती है, जिगर की जरूरत पड़ती है। साहब पुलिस, गाड़ी बंद। पता बोल रहा हूं, करण की जीप जूस के लिए घूम रही है। जीप का नंबर है MRA 2367, उसे घेर लो। ओवर। करण कहाँ है? सेठ, मैं अब्दुल बोल रहा हूं। हाँ अब्दुल, दाम मिल गया हो तो पता बता दो। सेठ, सारा लोग बोलता है जब तक माल नहीं देखेगा दाम नहीं देगा। उनसे कह दो कि माल दिखाकर मजीद भाई जैसे टुटपुंजिये धंधा करते हैं, करण अपने माल का नहीं बल्कि अपनी जुबान का दाम लेता है। और उनसे यह भी कह दो कि मैंने उनसे अब्दुल भाई, साला करण सेठ का यार है मजीद भाई, उसके दुश्मन से बात नहीं करता। हमें उस माल की जरूरत है। अरे जरूरत है तो साला दाम खर्चो। लेकिन हम करण सेठ के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, कभी नहीं। गद्दारी तो तेरा बाप भी करेगा रे। मिर्जा जी, हम कौन सा मुहावरा भूल रहे हैं? जी हुजूर, वो टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाला मुहावरा चलेगा? नहीं नहीं चलेगा। तो फिर वो चींटी के पर निकल आने वाला मुहावरा तो चलेगा ही।
तू चूटिए के आदमी है रे। क्या नाटक है बे? अपने वाला हो के साला गैरों के साथ जाके मिल गया। बस क्या बाबा, बस क्या मिर्जा? अल्लाह ताला स्मगलिंग के धंधे में अल्लाह ताला को कायों का सीटता। तू सिर्फ मुहावरों की बात कर, अल्लाह का नाम मत ले। साला बहुत जोर में चीखता है, बहुत जोर में चीखता है। सुरीला है, आधा बंद। थोड़ी देर इसका चीखना सुनेंगे आप बोले। हाँ सुनेंगे, सुनेंगे। मुकर मुकर ले जाओ इसे। अब्दुल भाई को यहीं रहने दो और मजीद भाई से जाकर कह दो कि अगर करण के माल पे कब्जा करना है तो वो खुद यहां आए। मुझे किराए के आदमी से लड़ना अच्छा नहीं लगता है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अगर माल का ले जाना इतना ही जरूरी है तो फिर ये लो। चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। फिर सोच लो। नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। जाकर मजीद भाई से कह देना कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। समझ गए? समझ गए।
अब्दुल भाई क्या हुआ? अपन को माफ कर दो भाईजान, उन लोगों ने अपन को बहुत मारा, बहुत मारा। अपन का जबान खुल गया, आज दोस्ती से ज्यादा जान प्यारा हो गया। अपन जीने के काबिल है, अपन को मार दो। अब्दुल भाई तुम तो आराम से मर जाएगा और जिंदगी भर तुम्हारे बीवी बच्चों को मैं पालता रहूं? हा? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं। भाईजान अगर तुम अपन को गोली नहीं मारेगा ना तो अपन आराम का मत मरेगा। ए अब्दुल भाई किसी भी माल की कीमत मेरे दोस्त की जान से ज्यादा नहीं हो सकती, समझा? कब तक मच्छर मारते रहोगे गोवर्धन भाई? मारने दो भाई। टाइम क्या हुआ है? तुम क्या टाइम देखोगे? चश्मा भूल कर आते हो। अरे बाप, 9:30 बज गया और अब तक। आधा बजा लाता हूँ करण से। अंदर चल के आराम से बजा लीजिएगा इकराम भाई। इनके सामने जी भी लाना बड़ा मुश्किल है इकराम। आइए गोवर्धन भाई। करण सेठ, इनका नाम गोवर्धन है, इससे पहले कि सरकार इनकी गैस निकाल दे झटके से। अरे हाँ, तुम दुर्गा माँ को मामा के यहाँ से लेकर घर छोड़ो। मैं
रंजीत तुम यहां क्यों आए? मैं कहती हूं आगे मत बढ़ना, मैं करण साहब से कह दूंगी, कह दूंगी आगे मत बढ़ना रंजीत। रंजीत बाबू मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। जाइए। रंजीत बाबू देखो तुमने कहा था ना, हमने मान लिया, अब मेरी जान हम कह रहे हैं तो तुम भी मान जाओ। रंजीत बाबू करण से कहना घर जल्दी आ जाए। हेलो रमेश भाई, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मिया। वो क्या है रंजीत भाई, मेरे हाथों चमना और बुआ दोनों खून हो गया है। दोनों को? जी मजीद भाई, अब आप बताइए मैं क्या करूं। हाँ रुको रुको रुको, जरा सोचने दो मियां। रंजीत मियां तुम वहां क्या कर रहे हो, फौरन यहां से अटक के आ जाओ। लेकिन सब ठीक हो जाएगा ना? अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं हूं ना फिक्र करने वाला। अब बस फौरन से पेशतर निकल के आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये करण का सर्वेंट है सर। साहब हमको जो पता था हम बोला, दुर्गा माँ तो देवी थी साहब देवी, उसे कौन साला मारा। अभी परसों हमारा घरवाली बीमार पड़ा साहब, तो दुर्गा माँ ने दवा का सारा पैसा दिया साहब, सारा पैसा। ये कौन है? करण सेठ। इंस्पेक्टर। यस डॉक्टर। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मर्डर एंड रेप। कातिल ने पहले लड़की को रेप किया और फिर मर्डर किया। वैसे यह कत्ल रात के 10 और 10:30 बजे के बीच हुआ, और दुर्गा बाई 10:32 और 15 सेकंड पर कत्ल की गई। 15 सेकंड, इतना सही वक्त कैसे पता चला? उनके हाथ की घड़ी इसी वक्त बंद हुई है। वैसे दुर्गा बाई के हाथ से यह अंगूठी मिली है जो हाथापाई में कातिल की उंगली से सरक गई होगी। ये तो करण सेठ की अंगूठी है साहब। करण की? तुम्हें कैसे मालूम? ये अंगूठी को तो अखा बंबई का गरीब लोग पहचानता साहब।
कमाल है यार, 2 बज गए और अब तक अब्दुल भाई का टेलीफोन नहीं आया। मां भी फिजूल परेशान हो रही होंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं करण बोल रहा हूं। करण बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं शायद प्रताप बोल रहा हूंगा। तुम इतनी रात गए प्रताप घर पे क्या कर रहा है? केशव, अब्दुल का टेलीफोन आया तो कहना घर पे फोन करे। कल ही एक एडिटोरियल ठोक देता हूं। पुलिस को इतनी रात गए किसी शरीफ आदमी को परेशान करने का क्या है? अन्याय है, घोर अन्याय है। शहर के बाइज्जत आदमी को तंग करने का क्या अधिकार है जी? कहिए तो मुख्यमंत्री का फोन घुमाए। नहीं गोवर्धन भाई, खामोखा इतनी रात क्यों तकलीफ देंगे उन्हें? सो रहे होंगे बेचारे। अरे भाई, हम तो घर समझ के आए थे, ये तो साला पुलिस स्टेशन निकला। पूछ अच्छी है। सुनो, क्या बात? करण सेठ की मां का खून हो गया है। रंजीत उठो, उठो। रात 11:30 के दरमियान तुम कहां थे? मैं मजीद भाई के घर था। क्यों? क्योंकि 11:30 के दरमियान दुर्गा भाई और जमुना का किसी ने खून कर दिया है। हुआ का खून? करन! क्या तूने क्या किया कमीने? मैं तूने क्या किया? तूने बुआ को मार डाला। मैं जानता हूं हराम दादा एक दिन बुआ को मार डालेगा। मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुश में आओ मुझे। मैं कहता हूं इंस्पेक्टर प्रताप नारायण सिंह, करण के जिंदगी में रंजीत पे कोई हाथ नहीं उठा सकता है। अफसोस की बात तो यह है करण साहब, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी रही नहीं। ठीक है, आज रात 11:30 के दरमियान तुम कहां थे? केशव के घर था। इकराम साहब और गोवर्धन प्रसाद जी भी मेरे साथ थे। यानी कि एलिबी तैयार है, तो ये अंगूठी भी केशव के घर रह गई। ये अंगूठी आपको कहां मिली? दुर्गा बाई की मुट्ठी से। मैं तुम्हें दुर्गा बाई और जमुना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। अब धर्म से कानून तक चलने वाला तुम्हारा रुपया भी तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। मैं नहीं मानती दुर्गा मां का कत्ल तुमने किया है। धीरे बोलो, कहीं प्रताप नारायण सिंह ने सुन लिया तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। तुमने कहा था एक ना एक दिन मुझे तुम्हारा केस लड़ना ही पड़ेगा, और मैं ये केस लड़ रही हूं। मुबारक हो। तुम इस वकालतनामे पर साइन कर दो। मुझे मेरे सिवा और कोई बेगुनाह साबित नहीं कर सकता, और मैं यहां बंद हूं। तुम बस साइन कर दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या भाई, आ जाओ क्या। करण से, करण से आ गए। काके, भगवान से भरोसा रखे, तनु इंसाफ जरूर मिलेगा। वाह गुरु कृपा करे।
सरकार बनाम करण। योर ऑनर, ये केस सरकार बनाम करण, पुत्र नामालूम। सरकार गवाहों के बयान और दूसरी शहादतों की मदद से यह साबित करेगी कि मुलजिम करण अपने मां बाप की नाजायज औलाद है, कि यह हिंदुस्तान का एक नामी स्मगलर है और इसलिए बहुत ही ताकतवर आदमी है। अगर किसी नामालूम मां बाप के किसी बेटे को आदमी कहा जा सके तो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन को मुलजिम के बारे में इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं। मां बाप की बुजदिली की सजा उनके फरिश्ते जैसे शरीफ बेटे को नहीं दी जा सकती। मुझे नहीं मालूम था कि अब स्मगलर्स भी फरिश्तों जैसे शरीफ आदमियों में गिने जाने लगे हैं। योर ऑनर, सरकार अब यह साबित करने की कोशिश करेगी कि मुलजिम की निगाह स्वर्गीय जमुना देवी पर थी, जो कि निहायत ही शरीफ लड़की थी। हाँ, तो फरिश्तों जैसे इस शरीफ आदमी ने जमुना के बाप को अस्पताल भेज दिया और तब तक के लिए जमुना को अपने घर में बुला लिया। 10-11 अप्रैल की रात को जब दुर्गा देवी अपने भाई के घर गई हुई थी और रंजीत भी घर पर नहीं थे, मुलजिम घर पर आया और जमुना देवी को अकेला देखकर उनकी इज्जत लूट ली। ठीक उसी वक्त दुर्गा देवी लौट आई। मुलजिम ने अपनी देवताई का भरम रखने के लिए उन दोनों को कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। थैंक यू। योर ऑनर, डिफेंस गवाहों की मदद से यह साबित करेगा कि मुलजिम के लिए ये रेप और डबल मर्डर करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कत्ल के वक्त मुलजिम वहां नहीं था। और इस बात को साबित करने के लिए 3 शरीफ गवाह यहां मौजूद हैं, जो ओन ओथ बयान देंगे, जिनके नाम हैं गोवर्धन दास, इकरामुल्ला खान और केशव। डिफेंस इनके अलावा 3 और गवाह पेश करना चाहता है योर ऑनर, जिनके नाम हैं टोनी, फेकू और दयाल सिंह। थैंक यू योर ऑनर। कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। फजूल का बात नहीं करना होगा। करण जेल के अंदर, रंजीत बाबू जेल के बाहर। तुम फजूल बात करेगा तो रंजीत तुम्हारी जुबान काट के तुम्हारे खीसे में डाल देगा, समझे? तो अरे लो भैया, अरे वो आएगा वा जमदूत। हाँ, अरे का ठाट से बैठा है करण सेठ की गाड़ी में साला। गुड इवनिंग सर। राम राम रंजीत भैया। हुआ के मर्डर केस में हम पुलिस का साथ दे रहे हैं। देना ही चाहिए। बिल्कुल, 2 हफ्ता पहले की बात है, करण की बात चलत रही तो हम टोनी से बोला कि कोई कुछ भी कहे, हरामी हरामिया ही होता है। अरे भैया, बिच्छू डंक मारे से और हरामी हरामीपन दिखावे से ना ही चूक सकत। फेंकू ये बात अपन भी बोला था और रंजीत सेठ फेंकू अपन से बोला कि टोनी जो बोलता है एकदम ठीक बोलता है। सूर्यनारायण वकील से मिलकर अपना बयान व्यान समझ लिया है ना? अरे रंजीत बाबू, बयान में कहा समझना, कचहरी में जाकर हाजिर नाजर जानकर भगवान को सची तो बोलना है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम केशव है? आप खार बांद्रा रोड के अभिलाषा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर D4 में रहते हैं। गिरफ्तारी से पहले आप करण के बॉडीगार्ड थे? जी हाँ। देखिए, करण का यह कहना है कि कत्ल की रात वो गोवर्धन जी और इकरामुल्ला के साथ आपके फ्लैट में था, क्या ऐसा ही है? जवाब दीजिए। जी नहीं, उस रात इकराम भाई और गोवर्धन भाई जरूर मेरे घर पर थे, लेकिन मुलजिम मेरे घर पर हरगिज नहीं था। श्रीमान जी, मैं तो फ्रीडम फाइटर हूं, मैं कहां करण वरण के चक्कर में पड़ता।
सुबह शाम मेरे घर का चक्कर काटा करता था। गोवर्धन जी जरा मुख्यमंत्री को फोन घुमाई दीजिए, गोवर्धन जी जरा प्रधानमंत्री को फोन घुमाई दीजिए। अजी गोवर्धन जी छोड़िए इन बातों को, इनसे केस पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही। करुणा देवी ने आपका नाम सफाई के गवाहों में लिया है, आप तो कोई सफाई दे ही नहीं रहे। गीता पर हाथ रख के कसम खाया है साहेब, मैं इस मौले आदमी की क्या सफाई दूं? अरे मैं कोई धोबी हूँ। योर ऑनर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट मुल्क और कौम का रहबर होता है। मुझ जैसे शरीफ आदमी का नाम इस करण जैसे महाबदमाश के साथ जोड़कर मुझे लगता है जैसे खुदा की खुदाई को दाग लगाया जा रहा। अपुन गॉड का कसम खाया है सर, अपुन झूठ बोलेगा? नेवर सर, अपुन को फर्स्ट टाइम पता चला है कि यही साला स्मगलर करण है, अपुन झूठ नहीं बोलता सर। हम गरीब आदमी हैं हजू, हमारा काम पान पे चूना कट्ठा लगाने का, आप बदन पे चाकू छुरी लगाने वाले से हमार का संबंध हो सकता? Your Honor, prosecution rests its case for the day. Court is adjourned for the day. विलायती मालूम होता है। अच्छा लगा? खाली अच्छा, अगर खाने की टेबल पर नजर आ जाए तो कितने लोग भूल चुक में गबर गबर खाना शुरू कर दे। कई क्रम भाई। अरे साहब, उर्दू जबान में जूते खाने का मुहावरा इन्हीं जूतों को देखकर तो बना है। नहीं, ये जूते भी खानदानी लोगों के ही पैर में अच्छे लगते हैं, जिनके माँ का बाप का कोई ठाव ठिकाना। अरे इसी कुर्सी पर वो करण कितना बुरा लगता था, लेकिन मारे डर के कोई कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन रंजीत बाबू इस वक्त ऐसे लग रहे हैं जैसे गुलदान में फूल। रंजीत बाबू, आज के एडिटोरियल में करण के मैंने बखें उधड़ कर दिए। हाँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैंने कह दिया, अगर करण को फांसी की सजा से जरा कम सजा मिली तो मैं फ्लोर क्रैश करके अपोजिशन से मिल जाऊंगा। ये खबर किसी ने मुख्यमंत्री को चिपका दी, उनका फोन आ गया और वो कहने लगे, अरे गोवर्धन दाजी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप लोग केशव साहब ने पैसे ले लीजिए। मैं मजीद भाई के घर जा रहा हूं, लेकिन याद रहे करण को सजा मिलनी चाहिए। क्यों भाई केशव, क्या बात है, क्यों बुलाया है मुझे यहां? ये बताने के लिए कि करण का खेल तो अब खत्म हो चुका और हम दोनों की भलाई इसी में है कि रंजीत सेठ का साथ दिया जाए। मतलब? मतलब ये कि तुम कोर्ट में करण के खिलाफ गवाही दोगे। क्या मुझे भी इस कुत्ते की तरह? नहीं, कुत्ते तो वफादार होते हैं मगर ये तो कुत्ता भी नहीं। हमारी बात ठुकराने का अंजाम जानते हो दयाल? दयाल वाहे गुरु दा सिख है रंजीत, अपने मालिक के लिए सिर कटवा सकता है, उससे गद्दारी नहीं कर सकता। वफादारी, और वो भी उस हरामजादे से। अगर करण साहब के खिलाफ एक Thank you.
आदमी को दूसरों की जान के मुकाबले अपनी जान ज्यादा प्यारी होती है। कल तक मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इकराम उल्ला जैसे पत्रकार, गोवर्धन जैसे राजनीति के शास्त्री, फेकू, टोनी और केशव फ्लोर क्रॉस करके सरकारी वकील से क्यों मिल गए थे। योर ऑनर, मैं ऑन ओथ ये कह रही हूँ कि सफाई के वो सारे गवाह सिर्फ इसलिए सरकारी वकील के साथ मिल गए थे क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी थी। और जिस गवाह को अपनी जान प्यारी नहीं थी, जो आज इस अदालत में सच बोलने के लिए आने वाला था, उसे कल रात ही कत्ल कर दिया गया। उस गवाह का नाम था दयाल सिंह। योर ऑनर, सरदार राम दयाल सिंह खुराना। सफाई के पांच गवाहों के मुकर जाने और छठे गवाह के कत्ल हो जाने के बाद डिफेंस के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। योर ऑनर, मेरी इल्तिजा है तू पिला नजर मिला के, मेरी प्यास बढ़ गई है तेरी अंजुमन में आके। आंखों की सारी मस्तियां, सारी मस्तियां मैं मेरी निचोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। तुझे घबरा के तेरे नाम से पुकारा है, साकिया शराब मेरे जीने का सहारा है। हो दो कुट पिला दे दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। जिंदगी पीना हो जिसकी जिंदगी, कैसे वो पीना छोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। शराब ने लूटा जिसकी
भल्ला भल्ला हो, कैसे ना दीवाना बने कैसे ना खराब हो, अपने कर्म का जाने मन हो, अपने कर्म का जाने मन, रुक तू इधर भी मोड़ दे तो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे से रोड़ दे तो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे से रोड़ दे तो कुट पिला दे साकिया। की बस यही दवा है साकी, जान जरा तरसा के देना तेरी अदा है साकी, हाथ से तेरे पीने में हो, हाथ से तेरे पीने में कुछ और मजा है साकी, ऐसी भी क्या है बे, ऐसी भी क्या है बेरुखी, यूं भी न दिल को तोड़ दे तो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ओ, विस्की का मजा कुछ अजीब सा है। वो तो होगा ही, इसमें मैंने जहर मिला दिया था ना। घबराओ मत, तुम्हें मरने में कोई तकलीफ नहीं होगी, हम अपने दोस्तों को बड़े आराम से मारते हैं। करण के खिलाफ बयान देकर तुम्हारा पाठ खत्म हो गया, तुम्हारी छुट्टी। औरंगजीत, इस बेचारे को आराम से मरने दो। खुदा हाफिज। तो फिर क्या सोचा तुमने? नहीं करुणा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर नहीं सकते या कुछ करना नहीं चाहते? दोनों बातों का नतीजा तो एक ही होता है। ये तो मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। करुणा, ना तो मैं कुछ कर सकता हूं और ना ही कुछ करूंगा। करण अगर तुम्हारा भाई होता तो? ये अर्जुन का देश है और यहां देश का दुश्मन किसी का भाई नहीं होता। ये तुम्हें क्या हो गया प्रताप? क्या तुम केशव गोवर्धन और इकराम जैसे पेशावर झूठों की गवाही पर एक बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवा सकते हो? गवाह झूठ बोल रहा है या सच, ये तय करना अदालत का काम है, मेरा नहीं। लेकिन करुणा, झूठ हर हालत में बुरा नहीं होता है। कुरुक्षेत्र में भी अगर धोखा नहीं दिया गया होता और झूठ नहीं बोले गए होते तो द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे सुरमा मारे ना गए होते और शायद पांडव हार गए होते। महाभारत में भी झूठ जगह जगह सच के काम आया है। करण का नाम क्यों भूल गए प्रताप? उसे तो आज भी धोखा दिया जा रहा है, और फिर तुम कोई अर्जुन नहीं हो और ना ही तुम्हें किसी ने अलग ले जाकर गीता का उपदेश दिया है। अगर मैं अर्जुन भी होता तो करण को मारने के लिए गीता का इंतजार नहीं करता, क्योंकि करण इस देश का दुश्मन है और ये देश हम दोनों से बड़ा है। देखो करुणा, तुम एक शरीफ लड़की हो, इसलिए करण की सिफारिश करना तुम्हें शोभा नहीं देता। उसकी महबूबा या बीवी या बेवा बनने में कोई बड़ाई नहीं है। प्रताप!
करुणा चली गई क्या? हाँ माँ, करण की सिफारिश करने आई थी। तू कायदे कानून का सावन बनकर बरस पड़ा होगा उस बेचारे पर। अरे कहाँ माँ। ये तस्वीर यहाँ कैसे? क्या तू इसे जानता है? हाँ माँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो? हाँ, एक जमाने में जानती थी, पर तू इसे कैसे जानता है? माँ, ये बच्चा करण है और ये दुर्गा बाई है, जिसने पाल पोसकर करण को बड़ा किया और करण ने उसी का खून कर दिया। जय प्रताप। क्या कर रहे हो? करण के केस की तैयारी कर रहा हूं। करण छूटेगा या सजा हो जाएगी? छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मौत की सजा मिलेगी हरामजादे को। हाँ, हरामजादा तो वो है ही, यूं क्यों देख रहे हो? उसके हरामजादा होने की बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? मैं उसकी मां जो हूं। शोभा, उसे अपना नाम तो दिया नहीं, अपना घर तो दिया नहीं, अपना प्यार तो दिया नहीं, और आज देने भी चले हो तो फांसी। उसकी पैदाइश हमारा कसूर है और सजा भुगत रहा है हमारा बच्चा। कैसी बच्चों की सी बातें करती हो, वो ये कभी साबित नहीं कर सकेगा कि वो हमारा बेटा है। क्या क्या कहा तुमने? वो ये साबित नहीं कर सकता? मैं तुम्हारे मुलजिम की बात नहीं कर रही हूँ, माँ हूँ, अपने बेटे की बात कर रही हूँ। तुम दुनिया से कह सकोगी कि तुम एक नाजायज बेटे? तुम हमेशा मुझे दुनिया से डराते आए हो। क्या दुनिया के डर से मैं अपने बेटे को मर जाने दूं? क्या दुनिया के डर से अपने बेटे के खिलाफ वकालत भी करो? क्या चाहती हो तुम, अपने एक बेटे के लिए दूसरे कुर्बानी दे दूं? तुम यही कर रहे हो, तुम यही कर रहे हो। तुम अपने और प्रताप की बेइज्जती के डर से करण की कुर्बानी दे रहे हो। तुम बाप नहीं, सर से पांव तक बस एक इज्जतदार आदमी होकर रह गए हो। सवाल इज्जत का नहीं, सवाल उसूलों का है। मेरा ही एक बेटा रह गया है उसे लाजमाने के लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है सिंह साहब? करण, मैं करण पुत्र नामालूम के लिए सजाए मौत की दरखास्त करता हूं। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम करण को हकीकत में गुनहगार ठहराती है, इसलिए ताजरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत
मुलजिम करण पुत्र नामालूम को सजाए मौत का हुक्म देती है। मुझे अफसोस है करण, मैं तुम्हें बचा ना सकी। अरे वाह भैया, कमाल कर दिया। Thank you.
एक सूचना के अनुसार नामी स्मगलर करण, जो भरी अदालत से फरार हो गया था, अभी तक लापता है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस को उसकी वकील मिस करुणा की भी तलाश है, जो उसी दिन से लापता है। अनुमान किया जाता है कि वे दोनों साथ साथ कहीं छिपे हुए हैं। उन दोनों का पता बताने वाले को सरकार की तरफ से 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे और सरकार ये भी घोषणा करती है कि रेडियो बंद करने से करण का खतरा कम नहीं होगा। मियां, करण भागने में कामयाब हो गया है मजीद भाई, और आप यहां बैठे यू सिगरेट पी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ना हो। अरे होना क्या है मियां, करण अगर पुलिस से बच जाएगा तो हमारे हत्ते चढ़ जाएगा, हमसे बचेगा पुलिस के हत्ते चढ़ जाएगा। आखिर तो उसका अंजाम वही होना है ना, मौत। मुझे तो अपनी ही मौत दिखाई दे रही चारों तरफ। अरे मियां लाहौल पढ़ो, डरे और उससे मियां वो चीज क्या है कमबख्त है ए मिर्ज़ा, वो कौन सी कहावत है वो? अरे मजीद भाई, क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा आदा। पिद्दी खाते हैं आप? बड़ी लजीज होती है। मेरा तो यहाँ डर के मारे बुरा हाल है, अगर मैं उसके हत्ते चढ़ गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मियां उसके हत्ते मत छोड़ो तुम। मजीद भाई, आप मेरा सारा कारोबार ले लीजिए, लेकिन मुझे करण से बचा लीजिए। देखो मियां, यूं तो तुम्हारा सारा कारोबार है ही मेरा, तुम्हारे पास ले दे के अपना कुछ है तो वह अपनी जिंदगी अपनी जान, और तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। ए मिर्जा जी, ये इबू भाई के बंगले में ले जा। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर मैं अकेला रहा तो करण के सामने देख देख के मर जाऊंगा। देखो मियां, डर के मारो तुम सोगे नहीं, सोगे नहीं तो सपने नहीं देखोगे। ले जाते, नींद उसकी है दिमाग उसका है रातें उसकी है, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। करण सेठ, अपुन को माफ कर दो करण सेठ, अपुन तो क्या जूते के डर से सारा शैतान भी अरबी बोलना शुरू कर देता है। जूता तो मेरे पास भी है टोनी। करण सेठ, अगर हम कोर्ट में झूठ नहीं बोलता तो वो साला रंजीत अपुन को खलास कर देता। और अगर कल कोर्ट में सच नहीं बोला तो हम तुमको खलास कर देगा। वो तो ये बात तुम एक राम और गोवर्धन से भी कह देना। करण सेठ, वो तो हम कह देगा, लेकिन तुमको साला रंजीत का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। फिलहाल तुम अपना बंदोबस्त करो, रंजीत से मैं निपट लेता हूं। तुम इन पर नजर रखो, मैं रंजीत से मिलकर आता हूं। आप तो प्रताप की माता जी हैं ना, फिर आप यहां क्या कर रही हैं? अब कौन सा सवाल बाकी रह गया है? लगता है आपको किसी ने यह नहीं बताया कि ये करण जैसे बदनाम स्मगलर का घर है, जिस पर आपके देवता समान बेटे ने मां के कत्ल का केस चलाया है, और जिसे आपके देवता समान पति ने बड़ी मेहनत से जिरा और बहस करके फांसी की सजा दिलवाई है। और अब आप यहां से जाइए, क्योंकि आपके सामने मेरी दुर्गा मां मेरे नाजायज माता पिता का नाम नहीं बताएंगी। मैं बताती हूं। आपको मेरे माता पिता का नाम मालूम है? हां, मुझे तुम्हारे माता पिता का नाम मालूम है, वो दोनों बड़े कायर है बेटा। आप मुझे बेटा मत कहिए। क्यों, क्या मैं मां जैसी नहीं? पता नहीं, लेकिन दुर्गा मां के अलावा किसी और को मुझे बेटा कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं अपने माता पिता का बेटा नहीं हूं मिसेस सिंह,
मैं उनका पाप हूं, आप जानती हो ने? हाँ, उनकी मजबूरियां भी जानती हूं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती जो एक बच्चे से उसके हिस्से की लोरियां छीन ले, उसके मां बाप के प्यार की धूप छांव छीन ले। मजबूरियां थी बेटा। मैंने कहा ना कि आप मुझे बेटा ना कहिए, आप एक इज्जतदार आदमी की पत्नी हैं और एक इज्जतदार आदमी की मां हैं। बार बार मुझे बेटा कहकर अपने रिश्तेदारों की तौहीन ना कीजिए। मां अपने बेटे को बेटा ना कहे तो और क्या कहे। तो ये कहिए कि आप कुंती की तरह कर्ण से अर्जुन की जिंदगी मांगने आई हैं। महाभारत की कथा तो मालूम ही होगी आपको, तो जाइए, मेरा जवाब भी वही है जो महाभारत में कर्ण का था। प्रताप की वजह से मेरी दुर्गा मां का कातिल आजाद घूम रहा है, मैं उसे इस जुर्म के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। मुझे तुमसे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। बेटा कह लूं? मैं आपके चरण में बैठ जाता हूं, आप मुझे बेटा कहते रहिए, मां मां मां। ये 29-30 सालों की प्यास कैसे बुझेगी? कितनी अजीब बात है, जब जिंदगी रही तो आप नहीं मिली, अब जो आप मिली हैं जिंदगी नहीं रही। मां, मैंने आपके मिलने की खुशी में आपके बेटे प्रताप को क्षमा कर दिया, अब तो खुश हो ना मां? मैंने तुम्हारे बेटे की जिंदगी बख्श दी। मैं तो तुम दोनों की जिंदगी चाहती हूं बेटा। ओह, यह तो तुम्हारी ज्यादती है ना मां, मेरी जिंदगी तो मेरे बस में है ही नहीं। प्रताप को तो तुमने कितनी बार लोरियां सुना सुना कर सुलाया होगा, एक बार सोने से पहले मैं भी लोरी सुनूंगा, मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे कोई आशीर्वाद दो मां। भगवान मेरे बेटे को लंबी उम्र दे। मैंने आपके मिलने की खुशी में आपके बेटे प्रताप को क्षमा कर दिया, अब तो खुश हो ना मां? मैंने तुम्हारे बेटे की जिंदगी बख्श दी। मैं तो तुम दोनों की जिंदगी चाहती हूं बेटा। ये तो तुम्हारी जाति। आ गए ऊपर वाले, आ गए। आदावर से मजीद भाई। इंसान साहेब। क्या बात है बेड़ू लोग? क्या अर्ज करूं मजीद भाई, हम तो आपकी नजरे इनायत के सहारे जिंदा हैं। एक सेकेंड। मेरी काहे के सहारे जिंदा हैं ये लोग मिर्जा जी? हुजूर, ये आपकी मेहरबानी के सहारे जिंदा हैं। ये साला मेहरबानी बहुत ऊबर खाबड़ लगता है। तुम क्या बोला था इकराम? हुजूर, नजरे इनायत निगाहे करम। ए मिर्जा, तुम ऐसा साला क्यों नहीं बोलते रे? कितना अच्छा बोला ना मिर्जा। ये इनायत पर गालिब ने कोई शेर वेर ठोका है ना? है ना, है ना, है ना, है ना। तुम याद करो, हम बात करता है। क्यों फेकू? हम तो साहेब आपके चाकरों का चाकर, आपके सेवकों का सेवक, पर जीवित रहे तो सेवा करेंगे ना साहेब। तुम लोगों को मरने के लिए कौन बोला था बेड़ो? मिर्जा, मौत का एक। हाँ, मिर्जा तरन्नुम में। मौत का एक दिन मुअय्यन है।
नींद क्यों रात भर नहीं आती। नींद कैसे आएगा सेठ, करण साला अपुन का गला पकड़ लिया और बोला टोनी अगर तुम कुल सच्चा सच्चा बयान नहीं दिया तो खलास कर देगा। अरे वो करण क्या खलास करेगा तुमको, हमारे होते हुए तुमको किसी बात का फिक्र नहीं होना चाहिए। अपन तुमको ऐसी जगह ले जाकर छुपाएगा, ऐसी जगह छुपाएगा जिधर मिर्जा जी हुजूर अपन को कौन सा मुहावरा याद नहीं आ रहा अभी। जी वो परिंदी के पर ना मारने वाला। हाँ वच, अपन तुम लोगों को ऐसी जगह ले जाकर छुपाएगा जिधर परिंदा भी पर भी नहीं मार सके। परिंदे वरिंदे के पर से तो अपन मरने वाला भी नहीं मजीद भाई। लेकिन वो करण की गोली से अपन को कौन बचाएगा। ए करण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता समझे, जाके सो जाओ। डर के मारे नींद भी कैसे आवेगी साहेब। मिर्जा नींद तो फांसी के तख्ते पे भी आ जाती है। उधर सोने का अपन को प्रैक्टिस नहीं है सेठ। तुम फिक्र मत करो, अपन सुलाएगा तुमको और इतनी गहरी नींद सुलाएगा कि जिंदगी में कभी सोया नहीं होगा तुम लोग। ये तो साफ साफ करण की हरकत मालूम पड़ती है साहब, वो आदमी तो बड़ा ही हरामजादा निकला। अरे अभी तक पेपर पढ़ रहे हो, तैयार हो जाओ, कोर्ट चलना है कि नहीं। चलना कैसे नहीं है, आज तो केस रीओपन होगा ना, दुर्गा माँ और जमुना के कातिलों की फांसी का रास्ता निकलेगा। आज का दिन तो मेरे जन्मदिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करण करण करण, मजीद भाई ने गोवर्धन टोनी वगैरह को खलास कर दिया और पुलिस ये समझ गई कि ये सब काम तुम्हारा है। तब तो ये केस रीओपन नहीं होगा करण। ये केस रीओपन होगा करुणा, अब ये केस सरकारी अदालत में नहीं बल्कि मेरी अदालत में खुलेगा। जी हुजूर, हमें इस वक्त कौन सा मुहावरा याद नहीं आ रहा। वो मौत से इतनी दहशत क्यों। हा 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 मिर्जा,
हमारे दोस्त को सुर बड़ा अच्छा लगता है तरन्नुम में। जी जी अभी लीजिए। मौत से इतनी दहशत क्यों, जान क्यों इतनी अजीज है, अरे मौत आने के लिए और जान जाने के लिए। अरे मैं मिर्जा इतना मत घबराओ, और फिर इस हरामजादे का वजूद इस धरती पर एक बोझ ही तो है। मेरे दिमाग पर भी बोझ है। यमिया करण, फेकू, इकराम, गोवर्धन और टोनी, इन सब से दोबारा बयान दिलवाने से तुम्हारा मकसद ये था कि तुम साबित करना चाहते थे कि फूल वाली का रेप तुमने नहीं किया और दुर्गा का मर्डर भी तुमने नहीं किया। तुम यहां अगर ये काम तुमने अंजाम नहीं दिए तो फिर किसने किया ये काम? मजीद भाई, क्यों मियां रंजीत, जमुना का रेप करते हुए बुआ ने देख लिया था और फिर मैं करता भी क्या। आखिर करण मरने के लिए अपने अर्जुन के पास आ ही गया। नहीं भैया, ऐसे मत कहो। प्रताप मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता। मुझे गौरव है कि तुम मेरे भाई हो। मेरा सर अपनी गोद में ले लो मां, ताकि मैं तुम्हें अपने भाई को और पिताजी आप इतने दूर क्यों खड़े? मेरे पास आइए ना पिताजी, जल्दी आइए पिताजी। पिताजी बेटे मुझे माफ कर देना। तुम
क्यों रो रही हो? ऐसी मौत तो दानवीर करण को भी नसीब नहीं हुई होगी। उसके पास तो कोई नहीं था, और मेरे पास मेरा भाई है, पिताजी हैं, और माँ।